हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद एसटी ओबीसी को सवर्णों से डराओ, सवर्णों को इनसे डराओ, हिंदू को मुसलमान से डराओ और वोट लो। आखिर कब तक ये राजनीति, कब तक मांगते मांगते रहोगे? आप लोगों की तो इतनी बड़ी हिस्सेदारी है, सरकार तो आप बनाते हो, आपने ही ओबीसी प्रधानमंत्री चुना है और यहाँ पे चिल्ला रहे हो आके भाई रिजर्वेशन लेके करोगे क्या? रिजर्वेशन चाहिए ना, जॉब में चाहिए, जॉब में चाहिए ना, गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट जॉब इंडिया में बचेगा नहीं, सारा कॉर्पोरेट के हवाले है। अदानी अंबानी से रिजर्वेशन मांगोगे इसके बाद क्या? जब तक यहाँ पर कास्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर से हमको 2024 का लोकसभा इलेक्शन होने दीजिए, फिर इनको जुमलों और वादों में उलझा दिया जाएगा। 65% को डराया जाता है, ब्राह्मणों से, सवर्णों से, हिंदू को, मुसलमानों से, जनता के मूल मुद्दे गायब है इस देश से। आज तक मांग रहे आप नहीं दे रहे, नहीं तो हम इलेक्शन को बैन करेंगे, हम साथ मिलकर इलेक्शन को सब बैन करेंगे तो कौन राज्य में बैठ कर? तो कास्ट वाइज सेंसस की आप डिमांड कर रहे हैं, मोदी सरकार भाग क्यों रही है इससे? ओ मोदी सरकार, वो बीस का आदमी नहीं दिख रहा है, वो उसी आदमी के हिस्सा दिख रही। नायक तो ये भी चुन के बहुत बड़े नायक आए थे, बहुत ढोल नगाड़ा बजाता ना। मैं एक एग्जाम लिखती हूँ, फेल हो तो उससे कुछ सीख कर नेक्स्ट एग्जाम में तैयारी करते हो ना, इसलिए इस नायक चुनने में हमारे गलती हो गई। आपने बहुत अच्छी बात बोली है, एग्जाम में लिखते हैं फेल होते ना, एक साल खराब होता है ना, एक साल खराब, यहाँ 5 साल खराब होता है, फिर 5 साल खराब होता है, 10 साल आपके वापस नहीं आएंगे, आपके बच्चे के नहीं आएंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस खराब है, केसीआर को बोला पे राज्य में करा ले, नीतीश कुमार करा रहा है ना बिहार में, केसीआर तेलंगाना में करने को मैं जनगणना करने के मैं तैयार हूँ बोल के वादा भी करा, जगनमोहन रेड्डी साहब भी वादा करा। क्या मिला ओबीसी प्रधानमंत्री से, कुछ मिला है ये बताइए? अभी तक जो मिला नहीं है, अभी आगे मिलने वाला है, अभी प्रधानमंत्री जी है, कब मिलेगा? 2024 में नया वादा करके फिर 29 तक चिल्लाओगे तब मिलेगा? मैं हमको ये लगता है कि इनके इलेक्शन से पहले ये बिल पास करे और जितने लगता है कि जब सबसे पहला मुद्दा तो इस देश में प्राइवेटाइजेशन का है, जब तक वो नहीं थमेगा आपकी रिजर्वेशन किसी काम नहीं आएंगे। एजुकेशन को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, रिजर्वेशन कहाँ उसमें आपको मिलेगा? जिंदा मरे तक, मोदी को नीचे उतारे तक हम लड़ने के तैयार है, हम तो वोट नहीं डालते, बीसी राजाधिकार हुआ तक हम बीसी वाला वोट किसी भी नहीं डालते। जनता कह रही है कि हम मरने को तैयार है, मैं तो जनता से कहता हूँ कि आप क्यों मरने को तैयार हो? आपने जिसको चुन के दिया है, 5 साल उन्होंने ऐस बहुत लग्जरी की जिंदगी जी है, सरकार से उतर भी गए तो जीवन पर्यंत। दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ जो लोग खड़े हैं या जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं और तेलंगाना से आए हैं और इनका डिमांड है कि जो SC ST OBC में रिजर्वेशन है वो बढ़ाया जाए। आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट चल रहा है, अभी पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया तो ST OBC के लिए जो लोग डिफरेंट राज्य के लोग आ रहे हैं यहाँ पे, कुछ को SC ST OBC का चाहिए दर्जा, जो पहले से है वो कह रहे हैं कि इसमें रिजर्वेशन बढ़ाओ, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। नहीं सुन रहे, हम 25 साल से हमारा आर कृष्ण है साहब ये दिल्ली जंतर मंतर कने संभर से पोराट कर रहा है, ये अब है सो केंद्र प्रभुत्म ये मोदी जी साहब बीसी बोल के लोगों के बचा रहा, वो माया मंत्रम कर रहा है। हमारा मोदी साहब यहाँ हमारा बीसी के लिए जनगणना नहीं काम कर रहे, जनगणना तो नहीं आ रही, वो हमारा बीसी मंत्र शाखा नहीं बना रहे, ये अपना पूरे झूठा बातों से ये दुनिया चला रहे वो मोदी साहब। हमारा हर कृष्ण साहब से अब आल साल या दिल्ली जंतर मंतर होंगे लड़ने के, हम लोग तैयार है, लड़ते है, ये प्रभुत्म निकाल, ये प्रभुत्म छुड़े तक हम लोग लड़ने के तैयार है। प्रधानमंत्री तो खुद ओबीसी से आते हैं, ओबीसी प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए, 9 साल होने को आ गए, अगले साल एक इलेक्शन है, कब होगा जातिगत जनगणना? कास्ट वाइज सेंसस इस देश में 1931 में हुआ था, उसके बाद कास्ट वाइज सेंसस तो नहीं हुआ, लेकिन जो कास्ट वाइज सेंसस की आप डिमांड कर रहे हैं, मोदी सरकार भाग क्यों रही है इससे? ओ मोदी सरकार, ओबीसी का आदमी नहीं दिख रहा है, वो उसी आदमी के हिस्सा दिख रही, वो प्रधानमंत्री बन के भी हमारा ओबीसी का लिए रिजर्वेशन तो नहीं दे रहे, जनगणना तो नहीं करा रहे, वो हिसाब तो नहीं करा रहे, वो असल उन ओसी है क्या बीसी है तो नहीं मालूम, वो अभी भी बोल रहे हमारा कृष्णा साहब बोल रहे, परसों राज्यसभा में भी बात करा, ओबीसी में जनगणना करके हमारा मंत्रिशा का देना बोल के परसों पार्लियामेंट में लड़के भी हमारा कृष्णा साहब बात करा था, अब उन ओसी है कि बीसी है कि उसकी छोड़ दे रही, असल वो बीसी हो, बाप को फायदा हो तो वो बीसी जनगणना करना है। आखिर कास्ट वाइज सेंसस की डिमांड मांग क्यों रहे? मुद्दा सिर्फ इतना है कि जिसकी जितने भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी कि सरकार में जिसकी जितनी परसेंटेज जनसंख्या है उतनी हिस्सेदारी होना चाहिए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम आदि मल्लेशम, तेलंगाना करीमनगर, उमड़ी जिला अध्यक्ष करीमनगर।
आपको लगता है कि इलेक्शन से पहले ये कराएंगे भी? आप यहाँ चिल्ला चिल्ला के कुछ भी कर रहे हो, नहीं होगा जनगणना इलेक्शन से नहीं पहले। करता हूँ, नहीं करे ऐसा है, हम तो लड़ने के तैयार है, उन करने के तो नहीं है, करे तक तो उसको नहीं छोड़ते हम लोग। तो केसीआर को बोला पे राज्य में करा ले, नीतीश कुमार करा रहा है ना बिहार में, केसीआर तेलंगाना में करने को मैं जनगणना करने के मैं तैयार हूँ बोल के वादा भी करा, जगनमोहन रेड्डी साहब भी वादा करा, या केंद्र वाला नहीं कर रहे हो, केंद्र मोदी साहब नहीं कर रहे। आप एक मिनट ये रहिएगा, नहीं कास्ट वाइज सेंसस की जो डिमांड है वो तो होगी नहीं। अभी पार्लियामेंट जब चल रहा था तो अभी सवाल पूछा गया था कि एसटी ओबीसी के नाम पे तो गोल गोल जवाब मिल रहा है, तो प्रधानमंत्री तो ओबीसी ही है ना, तो अब किसको बनाओगे, किसको चुनोगे? तो अच्छा बात है कि हमारा प्रधानमंत्री अभी ओबीसी में है, हम इसलिए पहले से लड़ रहे हैं, 25 साल से लड़ रहे हैं हमारे लोग। अभी एमपी कृष्णा जी पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं। क्या मिला ओबीसी प्रधानमंत्री से, कुछ मिला है ये बताइए? अभी तक जो मिला नहीं है, अभी आगे मिलने वाला है। अभी प्रधानमंत्री जी है, कब मिलेगा? 2024 में नया वादा करके फिर 29 तक चिल्लाओगे तब मिलेगा? मैं हमको ये लगता है कि इनके इलेक्शन से पहले ये बिल पास करे और जितने भी ओबीसी का ना रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट में होगा, पॉपुलेशन के हिसाब से, सेंसस के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट होगा, और अभी नया जो पॉपुलेशन का गिनती भी होगा तभी कास्ट वाइज हमको रिजर्वेशन दे सकते हैं। अभी क्यों नहीं कर रहे मेरे समझ नहीं आता है। कास्ट वाइज रिजर्वेशन लेके करोगे क्या? रिजर्वेशन चाहिए ना, जॉब में चाहिए ना, गवर्नमेंट जॉब में। गवर्नमेंट जॉब इंडिया में बचेगा नहीं, सारा कॉर्पोरेट के हवाले है। अदानी अंबानी से रिजर्वेशन मांगोगे इसके बाद क्या? जब तक यहाँ पर कास्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर से हमको ओबीसी जो जो भी मिला है, एससी एसटी जो मिला है, उसके हिसाब से आपको पूरा मिलना चाहिए। जब तक है हम तक तब तक हम लड़ते रहेंगे। हमको अपना हिसाब देना चाहिए और हमारा हिस्सा भी देना चाहिए उनको। ओबीसी प्राइम मिनिस्टर है, अभी सुनेंगे करके हमने यहाँ आके खड़े हो गए। अभी तक जो नहीं के अभी से कम से कम इस साल के अंदर पार्लियामेंट में जो कृष्णा जी बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं, सुनेंगे करके हमने यहाँ तक आया। अभी आगे नहीं करने से भी हम कंटिन्यू करेंगे करके हम सोच रहे हैं। लेकिन एक चीज अच्छा है कि इन लोगों ने अपने बैनर पे लिखा हुआ है ये प्राइवेटाइजेशन का भी अपोज कर रहे हैं। शायद देश की जनता को कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। 2011 की हम सेंसस की बात करें तो एसटी ओबीसी की करीब करीब 67% पॉपुलेशन, और ये 67% पॉपुलेशन ही है जो देश के प्रधानमंत्री को चुनते हैं और इन्हीं की वोट से बनते हैं। काफी बड़े तादाद में इनकी भागीदारी है, हिस्सेदारी है राजनीति में, लेकिन जब चुनाव आता है तो इन पे अलग अलग तरह के वादे और जुमले फेंक फेंक के इनसे वोट ले लिया जाता है। 2024 का लोकसभा इलेक्शन आने दीजिए, फिर इनको जुमलों और वादों में उलझा दिया जाएगा। 65% को डराया जाता है, ब्राह्मणों से, सवर्णों से, हिंदू को, मुसलमानों से। जनता के मूल मुद्दे गायब है इस देश से। अदानी का इतना बड़ा कांड हुआ, कितने मीडिया चैनल दिखा रही है, 10 लाख करोड़ रुपए का 10 दिन में नुकसान हो जाता है अदानी का, 10 लाख करोड़। कोई मीडिया दिखाने को राजी नहीं है। भारत ने ही विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज घोटाला, कोई दिखाने वाला नहीं है। वही जनता के मुद्दे भी गायब है, लेकिन हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, एसटी ओबीसी को सवर्णों से डराओ, सवर्णों को इनसे डराओ, हिंदू को मुसलमान से डराओ और वोट लो। आखिर कब तक ये राजनीति, कब तक मांगते मांगते रहोगे? आप लोगों की तो इतनी बड़ी हिस्सेदारी है, सरकार तो आप बनाते हो, आपने ही ओबीसी प्रधानमंत्री चुना है और यहाँ पे चिल्ला रहे हो आके। वही ये 25 साल से हमारा बड़ा लोग हमसे एज में बड़ा है, वो बुढ़े बन गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी कम से कम ओबीसी प्राइम मिनिस्टर जी हमारे सामने है, हम अभी पूछने से कम से कम हमारा ओबीसी प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी है अभी हमारा सुने करके हम यहाँ तक आया, साउथ से लेकर यहाँ तक हमने यहाँ के खड़ा हो गया हमने उनको सुनाने के लिए। और दूसरा क्या है कि पॉपुलेशन के हिसाब से रिजर्वेशन पक्का होना चाहिए। अगर हम आज तक मांग रहे आप नहीं दे रहे, नहीं तो हम इलेक्शन को बैन करेंगे। हम साथ मिलकर इलेक्शन को सब बैन करेंगे तो कौन राज में बैठेगा, राज के पीठ में कौन बैठेगा? हमारी मांग सहित है क्योंकि राष्ट्र की उन्नति हमारे हाथों में है कि नहीं? हमारी 7% हम वस्तु बने थे, हमें आप एक आई मीन तेलुगु में बात ఏమీ లేదు ఇప్పుడు మీకు దేశంలో అభివృద్ధి అయిన చేతి వృత్తులన్నీ మేం చేసినాయి మీరు దేశ అభివృద్ధిలో భాగమైన ఒక మంగళ పని అవనవ్వండి ఒక కుమ్మరి పని అవనవ్వండి ఒక వస్తు తయారీలో బంగారం ఏదైనా సరే అవనండి బీసీలో చేసిందే ఉంటుంది ఏదైనా సరే బీసీలు అభివృద్ధి లేనిదే देश अभिवृद्धि ये रोज जरगलेद थोड़ा सा हिंदी बोलेगा भी जो बीसी का जो कास्ट होता है अभी देश में जो है हमने गोल्ड बनाते
इलेक्ट्रिक का बात है और कर्मचारी सब कुछ हम ही होता है, फिर भी हमको अपना रिजर्वेशन नहीं मिलता है। जब तक हम कब तक ऐसे रहेंगे, हमारा रिजर्वेशन कम से कम चुनो मत, जितना जितना हमारा पॉपुलेशन है उतना रिजर्वेशन हमको दे दीजिएगा। इस बार जो इलेक्शन होंगे सेंट्रल में या स्टेट में जो भी है, हमको 50% जो हमारा बीसी सर है ना, वोट किसी को नहीं देंगे जब तक हमारे को कंफर्म नहीं होता 50%। हमको चाहे सेपरेट मिनिस्ट्री बना दीजिए बीसी मिनिस्ट्री, या सेपरेट अपने फंड्स दे दीजिए, जो भी है अगर नहीं दिए तो हमने जो देगा उसको हम वोट डालेंगे। मैं सवाल ये है कि इस देश को जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन की दिशा में ले जाया जा रहा है, जो कहते हैं कि इनकी ओबीसी से ही प्रधानमंत्री आते हैं, सारा रिजर्वेशन तो केंद्र सरकार ही खत्म कर रही है, तो आखिर सबसे मूल मुद्दा रिजर्वेशन का नौकरी होता है, जॉब होता है किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, क्योंकि उनकी फ्यूचर सिक्योर हो, लेकिन वो सिक्योरिटी तो ऑलरेडी ख़त्म है। खैर, आपको लगता है कि जब सबसे पहला मुद्दा तो इस देश में प्राइवेटाइजेशन का है, जब तक वो नहीं थमेगा आपकी रिजर्वेशन किसी काम नहीं आएंगे। एजुकेशन को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, रिजर्वेशन कहाँ उसमें आपको मिलेगा? तो यू हैव टू फाइट फॉर द प्राइवेटाइजेशन फर्स्ट, आपको प्राइवेटाइजेशन के लिए पहले लड़ना पड़ेगा। प्राइवेट के लिए अपन वो लड़ रहे हैं, हम सही है, ये प्रभुत्वम तो सही नहीं है, ये केंद्र प्रभुत्व मोदी जी तो अंदानी अभानी के लिए काम चल रहे हैं, उन लोग को चल रहे हैं। हमारा बीसी रिजर्वेशन का तो उन लोग को वो होप नहीं है, उन लोग कर्तव्य के हमारा होप नहीं आ रहे, हम लड़ने के तो तैयार है, जिंदा मरे तक मोदी को जो नीचे उतारे तक हम लड़ने के तैयार है। हम तो वोट नहीं डालते, बीसी राज्याधिकार हुआ तक हम बीसी वाला वोट किसी भी नहीं डालते, हमारा राज्याधिकार हम बीसी का बनने के बाद, हम राज्याधिकार हाथ में लेने के बाद लोग भगा भगा के सबको मारने के, हमारा बीसी कार्ड तैयार है, लड़ने के भी हम लोग तैयार है। जनता कह रही है कि हम मरने को तैयार है, मैं तो जनता से कहता हूँ कि आप क्यों मरने को तैयार हो? आपने जिसको चुन के दिया है, 5 साल उन्होंने ऐस बहुत लग्जरी की जिंदगी जी है, सरकार से उतर भी गए तो जीवन पर्यंत पेंशन मकान बंगला गाड़ी सब फ्री है। जिस जनता ने वोट दिया वो कहते हैं मरने को तैयार है। हमारे राज्यांग ऐसे दिया था ना, हमारे राज्यांग ऐसे लिखा था, कुछ लोगों के सौलभ्य के लिए लिखा था, उस लिखने वक्त सबके पास सबके के लिए सोचा, पर बनाने वक्त हमारे जैसे लोग को बोल दिया कैसा कि मिश्रम आर्थिक व्यवस्था है, गवर्नमेंट कितना है प्राइवेट ही उतना चाहिए। एक मिनट, वो समझ में नहीं आई लोगों, मुझे बताइए 2024 के इलेक्शन में जो तेलंगाना के लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, आंध्रा तेलंगाना रोज आते हैं यहाँ पे, क्या करेंगी आप लोग अगर आपका डिमांड पूरा नहीं होता है? व्हाट यू आर गोइंग टू डू, क्या करेंगे आप? हम ऐसा नायक को चुनेंगे तब तक हम को किसी को भी नायक, नायक तो ये भी चुन के बहुत बड़े नायक आए थे, बहुत ढोल नगारा बजाते हैं। मैं एक एग्जाम लिखती हूँ, फेल हुआ था उससे कुछ सीख कर नेक्स्ट एग्जाम में तैयारी करती हूँ ना, इसलिए इस नायक चुनने में हमारे गलती हो गई। आपने बहुत अच्छी बात बोली है, एग्जाम में लिखते हैं फेल होते ना, एक साल खराब होता है ना, एक साल खराब, यहाँ 5 साल खराब होता है, फिर 5 साल खराब होता है, 10 साल आपके वापिस नहीं आएंगे, आपके बच्चे के नहीं आएंगे। आफ्टर इंडिपेंडेंस खराब है, ये 5 साल नहीं, आफ्टर इंडिपेंडेंस है हमारी बात खराब है। आंध्रा वालों ने बता दिया, तेलंगाना वाले क्या करेंगे? हमारा तेलंगाना वाले तो हमारा वोट हमारा राज्याधिकार के लिए लड़ने के तैयार है। ये मोदी साहब आपको वार्निंग दे रहा है, ये राज्यांग में हमारा 56% रिजर्वेशन देना है, नहीं दिए तो छोड़ने के नहीं है, हमारा वोट हमारा सीट, लड़े तक मरे तक लड़ेंगे तुम्हारा वो सीट। चलिए, जो एसटी और रिजर्वेशन एसटी ओबीसी रिजर्वेशन का मुद्दा है वो काफ़ी गर्म है और कई राज्यों में ये गर्म है, आने वाले 2024 में ये जो मांग है ये एक निर्णायक भूमिका निभाने वाली है। आखिर जनता को तय करना है कि 5 साल और सड़क पर चिल्लाना है, यानी कि 10 साल से चिल्ला रहे हैं, 5 साल और चिल्लाएंगे, या अब ये चिल्लाहट खत्म होगी। नमस्कार।